टाइम पास मैं कौन है? वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो जीवा, जैसे उसको पता चलता है ना कि मैं मोबाइल में व्लॉगिंग करने वाली हूँ, वो हमेशा आ जाती है। जीवा से हाय टू एवरीबॉडी, से हेलो। व्हाट इज दिस मैंगो? व्हाट इज द कलर ऑफ द मैंगो बेबी? येलो कलर, येलो कलर। फोन चाहिए आजकल, ये फोन ले। सो गाइस, मैंने जीवा को कन्विंस कर लिया है मेरे साथ ब्लॉगिंग करने के लिए, है ना जीवा? आप मेरे साथ ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया ब्लॉगिंग करना। मैं फोन से ब्लॉगिंग करती हूँ और वो, उसको फोन चाहिए होता है। जैसे ही फोन ऑन होता है, अगर फोन बंद है तो उसको कोई मतलब नहीं है। अगर फोन ऑन है, वीडियो कॉलिंग वगैरह हो रही है या किसी से मैं बात करी, तो अब उसे फोन चाहिए, है ना जीवा? जीवा आपके टॉयज से आप खेलेंगे? She wants my phone. तो जीवा का खेलना हो गया फोन से, उसके बाद उसने खुद से अभी फोन दिया है, बट अभी वो फिर से आ रही है। जीवा आप मेरे साथ आ जाइए। अच्छा, उसको भी आना था। तो कल क्या है बाबू? कल मम्मा का बर्थडे है। नजर मेरे मुंह पे चाट ना ले मुझे। अगर आप सोच रहे कि मैंने क्या लगाया, तो मैंने लगाई है डॉट एंड की का फेस मास्क। ये है ग्लो रिवाइविंग विटामिन सी पिंक क्ले मास्क, जो कि बहुत ही अच्छा है। आई रियली लाइक दिस फॉर ड्राई स्किन पीपल, बहुत अच्छा है। तो मेरा कल बर्थडे है, तो आई थिंक कुछ सरप्राइज प्लान हो रहा है। इस वजह से अर्णव बाहर गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि घर पे अपना पैम्पर ही करूँ। तो जीवा बाकी दिन अच्छा खासा सो जाती है, 2 घंटे तक सो जाती है दोपहर में, आफ्टरनून नैप। और आज ही वो बिल्कुल हाफ एन आवर सोई। मैं थोड़ा सा बस किचन का काम ही करी थी, तब तक वो उठ गई और मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। ओके, मुँह में नहीं। हाँ बाबू, ओके, मुँह में नहीं डालना अपना फिंगर। तो देखते हैं अभी अपना पैम्पर कुछ भी थोड़ा सा कर पाती हूँ तो करूँगी। तो मैंने अपना सेपरेट रूटीन शूट किया है आप लोगों के लिए, तो जल्दी शेयर करूँगी। आफ्टर दिस ब्लॉग ही आएगा। आप समझ सकते हैं मेरे वीडियोस आजकल इतने लेट और कम क्यों आते हैं, जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ माय जीवू। उसको अपना ज़्यादा टेंशन चाहिए मम्मा की, है ना? मम्मा की ज़्यादा टेंशन चाहिए अब जीवू को, तो जीवू को ज़्यादा टेंशन चाहिए, तो जीवू को ज़्यादा टेंशन मिलती है मम्मा की, फुल अटेंशन। हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। एंड यस, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अभी जा रहा हूँ स्नेहा को सरप्राइज देने, उसका सरप्राइज का सामान लाने। बहुत लेट हो चुका है, आज मेरा यू नो ऑफिस भी था, बट ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं कर पाया, बिकॉज इनिशियली हमारा ये प्लान था कि बाहर जाना है, नैनीताल, मसूरी, ये सारे जगहों में 1-2 दिन के लिए जाना है, बिकॉज बहुत दिन हो चुके हैं कि हम लोग कहीं गए नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉकडाउन, जीवा है हमारे साथ, तो इसलिए हम ये रिस्क लिए ही नहीं इस बार। सो वी विल डू दैट लेटर। थोड़ा बहुत सरप्राइज मैं रखूँगा आज रात को, कल हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, राइट? सो Stay tuned for that, right? And let's see, और क्या क्या करेंगे? And there was a surprise for her, of course. Akash आया है चंडीगढ़ से as a surprise. So that is a big surprise for now. So we are here in a gift shop and trying to figure out what to do. ये देखिए ऊपर balloons prepare हो रहे हैं, helium balloons. फर्स्ट टाइम ऐसे खरीद रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज गोना लास्ट। ऐसे बोला है तो गया है कि 6 घंटा रुकने वाला है, बट आई जस्ट होप अभी शाम को 6:30 बज रहा है, रात को 12 बजे तक रुक जाए। सो लेट अस होप। ब्यूटीफुल केक भी खरीदिया, आई फॉरगॉट टू शो यू गाइज द केक। तो अभी जब केक पिकअप करने जाएंगे, आई विल गिव यू गाइज द ग्लिम्स ऑफ द केक। ऑसम केक फ्रॉम एन ऑसम शॉप। और हम आ चुके हैं बीटेक चाप वाले, एंड दिस इज द सिनेरियो। तो स्नेहा लव्स चाप प्लस आकाश फ्रॉम चंडीगढ़, राइट? सबका डिमांड है चाप का, तो हम लोग सोचे कि रास्ते में जा रहे तो क्यों ना चाप लेके चले घर में। सो दिस इज अगेन गोना बी अ सरप्राइज फॉर हर, एंड लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स। जीवा की शैतानियां चल रही है, देखो, शी वांट टू गो इनसाइड द कार्टन। हां, कचन कचन में क्या हो रहा है?
सारे टॉयज बाहर, जीवा अंदर, जीवा अंदर टॉयज बाहर। सो माय स्किन केयर इज डन और काफी अच्छी लग रही स्किन, काफी फ्रेश लग रहा है। जब स्किन केयर कर लो ना बहुत अच्छी लगती है स्किन, तो काफी टाइम के बाद मैंने किया है क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता यार, कैसे टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता है। तो स्किन पे बिल्कुल ध्यान नहीं हो पाता, मैंने बोला बर्थडे है तो कुछ थोड़ा सा स्किन पे थोड़ा केयर किया जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी अर्नब का फ़ोन आया है, वो अभी आने वाले हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। जीवा डे बाई डे बहुत ज़्यादा नॉटी हो रही है, अभी उसको मेरा क्रीम चाहिए, उसको मेरे क्रीम के साथ खेल रही है। सो कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर है तभी मैं थोड़ा सा ब्लॉक कर पा रही हूँ ओपन करके। तो आप लगाएंगे? यू डोंट नीड क्रीम बेबी, यू डोंट नीड इट। नो वहाँ पर छिछी है, छिछी लगा मैं मुँह है। हम एंटर कर रहे हैं गुब्बारे के साथ। आजकल आवाज देती है कोई बेल बजाता है तो आ रहे हैं, है ना? आप देख लेते हैं ना खाना तो एकदम वेट नहीं होता है, छोले जी वेट नहीं होता, खाना चाहिए। और बाहर का खाना तो जरूर चाहिए। तो अर्णव अभी चाप लेकर आए तो वही हम लोग सोच रहे खा लेते हैं, 9:30 बज चुके हैं। जीवो इज गोइंग टू हैव चाप फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? जीवो चाप खाएगा, तुमको अच्छा लगेगा ना, फेंकना नहीं है, स्पाइसी है, रुको थोड़ा, हाँ क्रीमी क्रीमी वाला दे। सो ये कौन सा वाला चाप है? मलाई मसाला चाप। एंड ये कौन सा वाला है? दिस इज मसाला चाप। पूछी खाएगी मलाई वाला। नहीं जी बस ऐसे खा ले, खा ले, तोड़ दूंगा वो। कैसा लगा बाबू? जीवा को आकाश के साथ भेज दिया है थोड़ा नीचे घूमने के लिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ केक कट खुद के लिए रेडी हो रही। सब पता है केक कटिंग होने वाला, क्योंकि देख लिया मैंने केक आने, केक आया है, तो जाती हूँ रेडी हो जाती हूँ, तो मेकअप कर लेती हूँ। मेरी जीवा रहती तो करने नहीं देती है, तो हल्का फुल्का सा थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, जस्ट टू लुक गुड। सिंपल सा करते हैं मेकअप फटाफट से, उसके बाद मिलते हैं। केक कटिंग, ये मेरा ड्रेस है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, थोड़ा सा फिटिंग है बट आई हैव टू रिड्यूस सम वेट, बट ओके चलेगा। ओ माय गॉड, मम्मी इज रेडी आई थिंक। अरे बाप रे बाप, ये कौन है?
कौन है ये तो पूरा वो इंस्टाग्राम का फोटो एकदम जीवू कौन है नहीं मम्मी मैं यहाँ पे फोटोज क्लिक करा रही थी कि ये बैलून्स बहुत जल्दी गिर रहे हैं यहाँ पे व्हाइट वाला ऑलरेडी गिर चुका है तो तीन व्हाइट वाले बैलून्स वो गिर रहे हैं ये वाला फिर भी है अभी तो हम सोच रहे हैं कि अभी 12 नहीं बजे हैं अभी शायद हाफ एन आवर बचा है तो मैं सोच पहले फोटोज क्लिक करा लो पता नहीं ये बैलून्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे और बीच बीच में जीवा हमारी क्या है ये हाउ कैन आई एम नॉट गेटिंग अटेंशन जीवू कम हियर और एक छोटा सा सरप्राइज सो दिस टाइम आई थॉट लेट्स कट द केक नियर द मंदिर एंड इन आवर कार सो हियर इट इज लेट मी सी हाउ स्नेहा रिएक्ट्स आकाश और मैंने दोनों मिलके ये काम किया है सो लेट अस सी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ किया है आई हैव नो आइडिया हाउ शी इज गोना रिएक्ट शी हैज नो आइडिया कि ऐसा कुछ हरकत करने वाले हम लोग तो जब हम हरकत कर ही लिए सो लेट अस सी व्हाट इज हर रिएक्शन ने अभी कॉल किया है हमको नीचे बुलाया आकाश हमारे साथ है तो हम नीचे जा रहे हैं प्राइस है नीचे आज घर पे नहीं क्या है कि भाई मैं घर पे रहती जीवा भी उठी हुई है जीवा को सोच रहे थे सुलाते पर वो सोई नहीं मैं भी रहूंगी अच्छी बात है मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे मेरी साथ जीवा माय न्यू व्लॉगर आ गया ग्राउंड फ्लोर ये कोने से घूम के आ रही है एंड सो रात को 12 बज रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू सी बोथ ऑफ अस आर व्लॉगिंग थैंक यू जीवू मम्मी का बर्थडे है मन को देखते ही जय जय करते हैं अंडा इज आल्सो व्लॉगिंग ओह माय गॉड Happy birthday to you. See, both of us are vlogging. Thank you. Jibu, mummy ka birthday hai. Jeje kar rahi hu. Jeje kar rahi hu. Jeje, thank you. Bhagwan ji. Jeje kar rahi hu. Aashirwad manga mere liye. Yahan pe light thodi kam hai, isliye thoda. Let's see. Okay. Ready? हाँ हाँ. Vlog कर रहे हैं. क्या हाथ में जगह का है? आकाश आकाश मेरे behalf में open कर रहा है. बिना चाबी के कोरे बाप रे लगता आज तो आज तो आज तो कुछ तो गड़बड़ है मैं समझ गई क्या हो रहा है वंडर वुमन वंडर वुमन हमारा वंडर वुमन आ गई वेट वेट फ्लैश ऑफ यू एक्साइटेड जीवू कुछ डिफरेंट हो रहा है ना मम्मी के साथ Wonder Woman. Yeah, Jiva is excited to see the cake. Jiva? Jiva? Cake. Different हो रहा है ना मम्मी के साथ? Cake, cake. ये देखो 12 बज चुका है. Happy birthday, buddy. So, happy. Thank you. Like this, very, very nice, very nice. किसको ऊपर लेके चले नहीं क्यों यही काटना है हाँ आई वॉन्ट टू मेक यू अनकम्फर्टेबल इन पब्लिक देखो सारे लोग देख रहे तुम्हें ऊपर से नीचे से सब देख रहे वन टू थ्री गो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर वंडर वुमन Happy birthday to you and Jibu ki mummy. Hey, Jibu ko kiwi pasand nahi hai. Thank you. Main yahan par hu. Main yahan par hu. Main yahan par hu. Bhaiya ko yaar. Papa ji ji. भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते यहीं पे हम केक कटिंग के लिए आए थे नीचे तो वहीं पे भगवान है तो अभी भगवान जी तो बंद है सो रहे हैं तो हम सुबह दर्शन फिर से कर लेंगे